हमारी आज की कहानी एक बड़े से घर से शुरू होती है। इस बड़े से घर में तारा नाम की लड़की रहती थी और उसे पेंटिंग करने का बहुत शौक था। तारा एक मशहूर पेंटर थी और उसने पेंटिंग बना बना कर बहुत पैसा कमा लिया था। तारा का घर शहर से दूर खेतों में था और वो इस घर में अकेली रहती थी। एक दिन इसी इलाके में एक गाड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी। इस गाड़ी को माइक नाम का आदमी चला रहा था और उसके साथ उसकी बीवी एमा बैठी थी। गाड़ी की तीसरी सवारी का नाम रीना था और वो एमा की मेड थी। दरअसल एमा तारा की सहेली थी और वो उसी से मिलने जहाँ आई थी। जल्द ही उनकी गाड़ी तारा के घर के बाहर रुकती है, जिसके बाद एमा और तारा एक दूसरे से मिलती है। तारा उन तीनों का स्वागत करती है और उन्हें घर में बिठाकर चाय पिलाती है। इसी दौरान एमा तारा से कहती है, मैं और माइक कुछ दिनों के लिए विदेश जा रहे हैं। हमारे जाने के बाद रीना घर में अकेली रह जाएगी। रीना मेरी वफादार मेड है और कुछ दिनों के लिए मैं इसे तुम्हारे घर छोड़ रही हूँ। तारा ने उसकी बात मान ली थी क्योंकि उसे भी एक मेड की जरूरत थी। थोड़ी ही देर बाद एमा जाती जाती तारा से कहती है, रीना को कभी कभी डरावने सपने आते हैं, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं। उसे सपने में घोड़ा दिखता है जो उसकी इज्जत लूटना चाहता है। इतना कहकर एमा तारा से विदा लेती है और फिर अपने पति के साथ वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद अब घर में सिर्फ तारा और रीना ही बची थी। रात को खाना खाने के बाद वो दोनों कुछ देर बातें करती है और फिर सोने की तैयारी शुरू कर देती है। रात को रीना एक सपना देखती है और उसे सपने में घोड़ा दिखाई देता है। रीना कई दिनों से ये सपना देख रही थी और इसे देखकर वो नींद में ही बेचैन हो जाती थी। अगले दिन सुबह ही एक घोड़सवार तारा के घर के पास भटक रहा था। रीना घोड़े की आवाज सुनकर तारा की गन उठाकर घर से बाहर आती है और फिर घोड़सवार को मारने की कोशिश करती है, मगर उसके सारे निशाने चूक जाते हैं, जिसके बाद घोड़सवार वहाँ से भाग जाता है। गोलियों की आवाज सुनकर तारा भी बाहर आ गई थी। वो रीना को डांट कर उससे गन छीन लेती है। रीना उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसने एक घोड़सवार देखा था, लेकिन तारा उसकी बात पर यकीन नहीं करती। थोड़ी देर बाद रीना घर का काम करने लग जाती है। वो पहले तारा के लिए चाय बनाती है और फिर घर के कपड़े धोती है। इसके बाद वो कपड़ों को बाहर सुखाने के लिए डालने लगती है और तभी उसके सामने फिर से घोड़सवार आता है। घोड़सवार को सामने देखकर रीना डर गई थी, मगर घोड़सवार कुछ नहीं बोलता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। रीना के लिए ये घोड़सवार बिल्कुल अजनबी था। वो ना तो उसका नाम जानती थी और ना ही उसे पता था कि वो उसके पीछे क्यों लगा है। रीना तारा को फिर से बताती है कि घर के बाहर कोई घोड़सवार है। उसके बार बार कहने पर तारा सोच में पड़ जाती है, जिसके बाद वो घोड़सवार को ढूंढने का फैसला करती है। थोड़ी ही देर बाद तारा घर के पास वाले खेतों में थी। उसके पास उसकी गन थी और वो घोड़सवार को ढूंढ रही थी। थोड़ा ही आगे जाने पर उसे वही घोड़सवार नजर आता है, जिसे देखकर रीना डर गई थी। तारा को ये घोड़सवार बहुत अच्छा लगता है और वो उसकी आंखों में डूब जाती है, मगर इस बार भी घोड़सवार कुछ नहीं बोलता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अब एक तरफ रीना को घोड़सवार से डर लग रहा था, उसके सपनों में रोज घोड़सवार आता था और उसकी इज्जत लूटने की कोशिश करता था। दूसरी तरफ तारा को घोड़सवार अच्छा लग रहा था, उसे पहले ही नजर में उससे प्यार हो गया था। रात को तारा रीना को बताती है कि उसने भी आज घोड़सवार को देखा था और उसे वो बहुत अच्छा लगा। तारा की बात सुनकर रीना हैरान होती है और वो उसे उससे दूर रहने को कहती है। अगले दिन रीना अकेली ही खेतों में चली आती है। वो आज हर हाल में घोड़सवार को ढूंढना चाहती थी ताकि वो उससे बात कर उसे तारा से दूर रहने को कह सके। रीना बिल्कुल नहीं चाहती थी कि तारा और घोड़सवार एक दूसरे के नजदीक आए, क्योंकि उसे घोड़सवार बिल्कुल पसंद नहीं था। थोड़ा आगे जाने पर अचानक उसके सामने घोड़सवार आता है और वो उसकी इज्जत लूटने की कोशिश करता है, मगर रीना उसके सिर पर पत्थर मारकर वहाँ से भाग जाती है। रात होते होते रीना ने तारा को सब बता दिया था कि आज घोड़सवार ने उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की थी। उसकी बात सुनकर तारा ने भी अपनी गन को पूरा लोड कर लिया था ताकि जरूरत पड़ने पर वो उसका इस्तेमाल कर सके। इसी बीच उनके दरवाजे पर आहट होती है। तारा जब दरवाजा खोलती है तो उसके सामने वही घोड़सवार खड़ा था जिसे वो प्यार करने लगी थी। घोड़सवार इस बार पूरे कपड़ों में था और उसे देखकर रीना तारा से कहती है कि इसे यहाँ से चले जाने को कहो, मगर तारा उसे समझाती है कि वो हमारा मेहमान है और हम उसका निरादर नहीं कर सकते। इसके बाद वो घोड़सवार को अंदर आने को कहती है और अंदर लाकर उससे उसका नाम पूछती है। घोड़सवार बताता है कि मेरा नाम सिन्हा है और मैं खेतों के दूसरी तरफ रहता हूँ। इसके बाद तारा उससे पूछती है कि तुमने रीना की इज्जत लूटने की कोशिश क्यों की। सिन्हा उसे बताता है कि रीना मुझे अच्छी लगती है और मैं तो सिर्फ उससे मजाक कर रहा था। तारा सिन्हा की बात पर यकीन कर लेती है, लेकिन रीना को सच्चाई पता थी कि सिन्हा झूठ बोल रहा है और वो कोई मजाक नहीं कर रहा था। कुछ दिनों बाद सिन्हा तारा को घोड़सवारी सिखाने लगता है और धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। उन दोनों की नजदीकियाँ रीना को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, जिस कारण वो अंदर ही अंदर उनके रिश्ते से जलने लग जाती है। तारा पहले पूरा दिन रीना के साथ बिताती थी,
लेकिन सिन्हा के आने के बाद अब रीना पूरा दिन अकेली रहती थी। धीरे धीरे सिन्हा का तारा के घर आना जाना शुरू हो गया था। वो तारा के साथ ही दारू पीने और उसके साथ ही खाना खाने लगा था। रीना को उसका घर में आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उसे पहले भी उससे डर लगता था और वो आज भी उससे डरती रहती थी। तारा के कारण वो सिन्हा को घर से भगा भी नहीं सकती थी, जिस कारण वो ना चाहते हुए भी उनके सामने शांत रहती थी। एक दिन तारा सिन्हा और रीना को सामने बिठाकर पेंटिंग बनाने लगती है। वो अपनी नई पेंटिंग में दोनों को साथ दिखाना चाहती थी। थोड़ी ही देर में पेंटिंग बनकर पूरी हो जाती है और उसे देखकर सिन्हा बहुत हैरान होता है। वो जैसे ही तारा की तारीफ करता है तो रीना को उस पर बहुत गुस्सा आता है। वो उससे कहती है, तुम जानबूझकर पेंटिंग की तारीफ कर रहे हो क्योंकि तुम तारा को फंसाकर उसके पैसों पर ऐश करना चाहते हो। उसकी बात सुनकर सिन्हा बहुत गुस्सा करता है और उन दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। तारा उन दोनों को समझाने की कोशिश करती है लेकिन सिन्हा गुस्से में आकर वहाँ से चला जाता है। अगले कुछ दिन सिन्हा अकेला ही खेतों में घूमता है। उधर तारा का मन भी कहीं नहीं लग रहा था और उसे सिन्हा की याद सता रही थी। रीना पूरा दिन घर का काम करती थी और उसे इस बात की बहुत खुशी थी कि सिन्हा ने तारा से मिलना बंद कर दिया। एक दिन तारा रीना से कहती है कि मुझे सिन्हा से प्यार हो गया है, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। रीना उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो अच्छा आदमी नहीं, मगर तारा उसकी बात नहीं सुनती और वो उसे बताती है कि मैं सिन्हा के पास जा रही हूँ। रीना समझ गई थी कि अब वो तारा को नहीं रोक सकती, इसीलिए वो आगे कुछ नहीं बोलती। थोड़ी ही देर बाद तारा अपनी गाड़ी में बैठकर खेतों के दूसरी तरफ आती है, वो जहाँ सिन्हा से मिलने आई थी ताकि वो उससे मिलकर अपने प्यार का इजहार कर सके। तारा जल्द ही सिन्हा के पास पहुँच जाती है और उससे अपने प्यार का इजहार करती है। सिन्हा से मिलने के बाद तारा खेतों से बाहर निकलती है और फिर वो अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगती है। दूसरी तरफ रीना भी खेतों में पहुँच चुकी थी और उसके हाथ में तारा की गन थी। इसी दौरान तारा जैसे ही उसके सामने आती है तो वो गोली चलाकर उसे जख्मी कर देती है। तारा को रीना से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी और उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती है। अपनी आखिरी सांसें लेती लेती वो रीना से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, मगर रीना कुछ नहीं बोलती और दूसरी गोली चलाकर वो तारा को मार देती है। तारा का कत्ल करने के बाद वो सीधा घर में आ चुकी थी। वो तारा को मारना नहीं चाहती थी बल्कि वो तो उसे सिन्हा से दूर रखना चाहती थी, मगर उसके बार बार समझाने पर भी जब तारा नहीं रुकती तो वो आज उसकी जान ले लेती है। अगले दिन सिन्हा तारा के घर आता है और उसे देखकर रीना उसे घर से चले जाने को कहती है, मगर सिन्हा पहले उसे एक थप्पड़ मारता है और फिर उसके पास जाकर कहता है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुमने तारा को मार दिया, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। तारा से तो मैं प्यार का नाटक कर रहा था ताकि मैं तुम्हारे करीब आ सकूं। सिन्हा की बात सुनकर रीना बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद वो दोनों तारा की लाश को ठिकाने लगाते हैं। कहानी के आखिर में रीना को उसी घोड़सवार से प्यार हो जाता है जिसे सपने में देखकर वो डर जाया करती थी। इस कहानी में हमें यही बताया गया है कि जरूरी नहीं कि हर सपना सच हो। कुछ चीजें सपने में डरावनी लगती हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो हकीकत में भी डरावनी हो। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।